बस बस बस, हे भगवान, ये क्या हो रहा है इस दुनिया में? नरक से भी बदतर जिंदगी हो गई है हमारी। चारों तरफ कोलाहल ही कोलाहल मचा हुआ है। ऐसी दुनिया में हम मनुष्य का जीना तो नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि ऐसी विकट परिस्थितियों ने और असुविधाजनक वातावरण ने चारों तरफ हम सब लोगों के मन में डर भर दिया है। चारों तरफ डर का प्रदूषण इतना फैल गया है कि लोग श्वास के साथ डर ही अंदर ले और छोड़ रहे हैं। डर भी कितने प्रकार के हो गए। महामारी का डर, नौकरी छूट जाने का डर, और आगे भोजन मिलेगा कि नहीं उसका डर, तेज बारिश में कहीं बाढ़ ना आ जाए उसका डर, युद्ध के माहौल से कहीं बमबारी ना हो जाए उसका डर। ये तो कुछ भी नहीं, हर जगह पर डर ही लगा ही रहता है। घर में बीवी का डर, ऑफिस में बॉस का डर, ससुराल में जाओ तो संबंधियों का डर, आस पड़ोस के लोगों से झगड़ों का डर, बच्चे कुछ गलत राह पर चलकर कुछ उल्टा कर्म न कर दे उसका डर, दोस्तों के बीच कहीं मेरा मजाक न उड़ जाए उसका डर। ऐसे छोटे छोटे डर तो बहुत है, जैसे घर से बाहर निकलो तो बारिश में कहीं भीग न जाऊं, या तेज धूप में कहीं काला न पड़ जाऊं उसका डर, सुनसान सड़क पर कोई चोर लूट न ले उसका डर, कहीं कोई दुकानदार ठग न ले उसका डर, गाड़ी चलाते वक्त कहीं एक्सीडेंट न हो जाए उसका डर, सड़क पर कोई ट्रैफिक हवलदार न पकड़ ले उसका भी डर, या ट्रेन प्लेन में सफर करते वक्त कोई हादसा ना हो जाए उसका भी डर, और हम में ही नहीं हर उम्र के लोगों में डर, स्कूल में बच्चों को मास्टर जी का डर, कहीं परीक्षा में फेल ना हो जाऊं उसका डर, और फेल हुआ तो माँ बाप का डर, और दोस्त क्या कहेंगे उसका डर, युवाओं में अपने करियर में असफल होने का डर, लड़कियों को रात में अकेले सड़क पर बाहर निकलने का डर, तो बुजुर्गों को बीमारी और बुढ़ापे में अकेलेपन का डर, हर क्षेत्र में डर ही डर समाया हुआ है, हर कोई यहाँ डरा हुआ है, और डरा हुआ वह व्यक्ति औरों को भी डरा रहा है, सब डर डर के बस ऐसे जिंदगी जी रहे हैं कि बस अब तो इस जिंदगी का नाम बदलकर दरंदगी रख देना चाहिए। आखिर कब तक हम ऐसी डरी हुई जिंदगी जीते रहेंगे? क्या इस डर का कोई इलाज ही नहीं? यहां ये जीवन इस डर के साथ ही खत्म होगा? क्या कोई नहीं है हमें इस डर से मुक्त करने वाला? कोई है जो हमें इस दरंदगी से मुक्त करे? कोई है? या ऐसे ही हमें घुट घुट कर डर डर कर अब जीना होगा? मेरे होते हुए तुम क्यों इतने कमजोर, डरे हुए और असहाय से महसूस होते हो? गणेश जी, आप कहां हमारे साथ रहते हो? आपको तो हम सब हर साल गाजे बाजे के साथ अपने घरों में स्थापन करते हैं और पूजते हैं, बस तब तक ही आप हमारे साथ रहते हो, फिर तो कुछ दिनों के बाद आप भी इस दुनिया से बोर होकर विसर्जन हो जाते हो। रहते कहाँ हो हमारे पास? आपको हमारे दुख दर्द देखने का टाइम कहाँ है? बस 4 दिनों के लिए हम में उमंग भरकर
फिर से हमें मायूसी और डर के अंधकार में छोड़कर चले जाते हो। अगर साथ होते तो हर साल आपको घर पर लाने की और आपको स्थापना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस यही तो तुम सब गलती करते हो, अपने घरों में मेरी स्थापना कर देते हो परंतु अपने दिलों में मेरी स्थापना नहीं करते। जिस दिन तुम अपने अंदर मेरी सच्ची स्थापना कर दोगे, मैं कभी तुम्हारे भीतर से अलिप्त नहीं होऊंगा। अंदर स्थापन करना है, ये कैसे होता है गणराज? थोड़ा स्पष्ट करके बताइए ना। सुनो वत्स, तुम सब सिर्फ मेरी मूर्ति को अपने घर स्थापन करते हो, लेकिन मुझे अर्थात गुणों के पति को अर्थात सर्व गुणों को अपने अंदर नहीं स्थापन करते। तुम मेरे अलग अलग गुणों का गुणगान तो करते हो परंतु स्वयं कभी अपने अंदर गुणों की माला नहीं धारण करते। मेरी पूजा आरती करके मुझे लड्डू मोदक खिलाते हो लेकिन मैं इससे खुश नहीं होता। सच्चे अर्थ में अपने अंदर तुम गुणों को धारण कर मेरे समान बन जाओ और श्रेष्ठ कर्म करो, तब मैं खुश हो जाऊंगा। और मेरे बोर होकर जाने की तो बात ही नहीं जस्ती, क्योंकि जिन गुणों के आधार पर तुम अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बना सकते हो, उनके विसर्जन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम स्थूल रूप से सारी क्रियाएं पारंपरिक रीति से तो कर देते हो, लेकिन सच्चे अर्थ में अगर अपने अंदर मुझे बुलाओ तो मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हमें क्षमा करें हे गुणेश, अब तक आपकी सच्चे स्थापना के अर्थ को हमने नहीं समझा था, परंतु आज आपने हमें स्पष्ट करके हम पर असीम कृपा की है। बस एक और कृपा कर दीजिए। इस डर भरे माहौल में हम खुशहाल जीवन कैसे जिए? हमारे अंदर से ये डर का काटा कैसे हम निकाले? थोड़ा इस पर भी मार्गदर्शन दे दीजिए ना। डर को निकालने के लिए पहले डर को समझना होगा। डर हर एक के मन की ऐसी अवस्था है जिसमें मानव अपने भूतकाल और वर्तमान काल में किए हुए पाप कर्मों के फल को अस्वीकार करने और उनसे अपने आप को बचाने में लगे रहना है, क्योंकि डरता तो वो ही है जो जीवन में सदा छल, कपट, झूठ, फरेबी, चोरी या कोई गलत कर्म करता रहता है। उसे हमेशा अपने भविष्य की ही चिंता लगी रहती है। उसे स्वयं पता होता है कि मेरे किए हुए गलत कर्मों का राज एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा। मुझे उसका फल तो भुगतना ही होगा, परंतु वो दिन, वो घड़ी कहीं जल्द ही ना आ जाए, उसी की चिंता में वो हमेशा डरा हुआ रहता है। इसलिए हे वत्स, सर्वप्रथम तुम अपने अंदर यह दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने कर्मों का फल सहर्ष स्वीकार करना ही है। और हाँ, जीवन में सदा सत्य और निश्चय के आधार पर कर्म करने से किसी को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि हो नहीं सकती, और इससे जीवन सदा निडर और खुशहाल रहेगा। सत्य और निश्चय का आधार, इसे थोड़ा स्पष्ट कीजिए ना गणनायक जी। सत्य अर्थात सत्य ज्ञान कि मेरे हर अच्छे बुरे कर्म का फल मुझे ही भुगतना है, तो मैं सदैव कर्म करने से पहले
सावधान रहूंगा। सत्यता अर्थात मैं अपने सत्य स्वरूप को जानकर कर्म करूं कि मैं आत्मा हूं। ये देह तो कर्म करने का माध्यम है, मैं यहां तो सिर्फ खेल खेलने के लिए आया हूं। और निश्चय तीन प्रकार के करने हैं। पहला स्वयं में निश्चय, स्वयं को आत्मा समझ मैं जो भी कर्म करूंगा वो श्रेष्ठ ही होगा। दूसरा परमात्मा शिव भगवान में निश्चय, उनकी याद में किए हुए हर कर्म पुण्य और महान कर्म होंगे। और तीसरा सृष्टि के खेल में निश्चय कि जो भी हुआ है हो रहा है या होगा उसमें कल्याण ही समाया हुआ है। समझे वत्स? हे बुद्धिनाथ गजानन जी, आपके इस ऊंच ज्ञान को पाकर हम सब आज धन्य हुए। सचमुच इस ऊंच मार्गदर्शन को पाकर हम सभी सदा के लिए निडर बन ही जाएंगे और सच्चे अर्थ में अपने अंदर गुणों की स्थापना करके हम भी आप समान गुणाधिपति बन जाएंगे। धन्यवाद गजानन जी, धन्यवाद। सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी झळके मान मुक्ता फळांची, जय देव जय देव। लंबोदर तू विनायका, तू बल्लोळेश्वर मोरया, विघ्नेश्वर तू एक दंत, तू मयूरेश्वर मोरया, भक्ति तुंड तू गजमुखा, तू सिद्धि विनायका। तू महेशाय तू मोरया, चिंतामणि तू सिद्धिनायक, गणाधीशाय मोरया, वक्रतुंड तू गजमुख, तू सिद्धि विनायक। गजानन